प्रत्याशी नौक्षम चौधरी पुनाना क्षेत्र में हर दिन दौरा कर रही हैं। आज भी पुनाना इंदाना कोठी मामली का पिनगवा तिरवाड़ा सिंगार ठेक समेत कई और गांवों का दौरा किया। सभी जगह उनके समर्थन में लोग जुड़ते चले गए। और चुनाव लड़े जा रहे हैं सारे है? कभी इसी ने दे दी, कभी उसने दे दी, कभी यूं कर दिया। जो चीजें जरूरत है वो है नहीं, ठीक ठीक करने सब लोग नहीं लपक रहा। अरे उन्हें तो कई सालों से जिता रहे हो, दस दस बीस बीस साल हो गए जिताते हुए है। इस बार एक मामूली सी लड़की को देखो, आम सी लड़की। पुनहाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नौक्षम चौधरी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ जुट चुकी हैं। हर एक गांव और कस्बे में वो अपने ही अंदाज से दौरा कर रही हैं। नौक्षम चौधरी का वोट मांगने का तरीका भी परंपरागत अंदाज से बिल्कुल जुदा है। वो जहां भी जाती हैं वहां की समस्याओं पर ही बात करती हैं। ज्यादातर किसी भी विरोधी प्रत्याशी पर हमला करने के बजाय वो समाधान पर बात करती हुई नजर आती हैं। 30 दिन के अंदर सबसे भाग्यशाली और प्रभावशाली पार्टी का टिकट आपके हाथ में दे सकती हूँ, तो ये तो एक तरफा जीत है। कर लीजिए, ये राजनीति की ये जो जिस तादाद में और जिस भारी समर्थन से हर वर्ग के आदमियों ने यहाँ जुड़कर आज मेरा आदर सम्मान बढ़ाया है, ये तो एक बात को साफ कर देता है, ये एक तरफा जीत है। दूसरी बात, इतना पढ़ लिख कर अगर मेरा मेरे परिवार से कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, अगर मैं इतना पढ़ लिख कर किसी पार्टी से जुड़ी हूँ वो है भाजपा पार्टी, क्योंकि इनकी नीतियों से योजनाओं से प्रभावित होकर मैं जुड़ी हूँ। अगर मेरे जितनी पढ़ी लिखी लड़की इनसे जुड़ सकती है तो उसका मतलब आप खुद ही समझ लीजिए। जिसने विदेश में अपनी रिहाइश और अपनी नौकरी और अपनी रिहाइश और अपनी तरक्की छोड़ के अगर मैं यहाँ इस पार्टी से जुड़ी हूँ तो आप यही मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होगा। अगर आपको ये लगता है कि चुनाव बहुत हुए हैं ये एक फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक सामाजिक चुनाव है, इस बार ये चुनाव है एक जंग का, इंसानियत का, मानवता का। 75 सालों से चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज आपने दिए हैं। मेवात की राजनीति में तो बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आता है, जो कई कई राज्यों के मंत्री रहे हैं उन लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने ये पारंपरिक राजनीति करी है। उनके पिताजी भी राजनेता थे, मंत्री थे, पर दादा भी मंत्री थे, आज खुद भी मंत्री है। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के नाम लिए जाते हैं, पर विकास की जब बात आती है फिर इस इलाके को हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा माना जाता है। वजह क्या है? डोर टू डोर जनसंपर्क के अलावा जब वो मंच से भाषण देती हैं तो भीड़ बिन बुलाए ही खिंची चली आती है। और नौक्षम चौधरी स्टेज से तो विकास की बात करती हुई विरोधियों पर हमला करना भी नहीं भूलती। क्षेत्र की बदहाली पर बात करना उनके भाषण की विशेषता है। वो सिर्फ जो आपकी बात ऊपर सरकार तक रख पाऊंगी, नुमाइंदे भी आप हैं, लड़ेंगे भी आप और जीतेंगे भी आप, इस बात को कोई बोल नहीं सकता। जहां तक ये बात है, क्या किया अभी तक आपने? झूठे सच्चे मुकदमे करा दिए, इसकी दफा उस पे, उसके इस पे, थाने कचहरी कर ली है, दलाली कमीशन डाल ली, महिलाओं का स्तर नीचे गिर गया, यूनिवर्सिटी आज तक नहीं मेवात में, किसी किस्म की सड़कें आज तक नहीं, कोई शिक्षा छात्रवृत्ति आपको नहीं दी जा रही,
की तब्दीली कर लें, ये टिकट उसको दे दें, उससे लेके इसको दे दें, जो मर्जी पार्टी कर ले। मैं 80 पार कह रही हूँ, आप 75 पार का नारा दिया था, मैं 80 पार कह रही हूँ। और आपको पता है एक ही बहुमत से सरकार बन रही है, वो है भाजपा पार्टी की। तो क्यों नहीं हम मजबूती से इस सरकार में हिस्सा रखें और अपनी बात को मनवाए। भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं। इस बार सोच समझ के